हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में क्लेरिफाइड लर्निंग। हमने चैप्टर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देख चुका है। तीन वीडियो में उस चैप्टर कंप्लीट हो गया। अभी थे एक्सरसाइज एंड सॉल्यूशन। अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ लिंक और पीडीएफ का सॉल्यूशन दोनों मिल जाएगा आपको। और हम मैं इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ तीनों एक चैप्टर का, चैप्टर 5। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 6 क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, अपन पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। वी हैव लर्नड अबाउट वेरियस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड रिलेशंस बिटवीन देम। हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ चुके हैं और उसके रिलेशन भी पढ़ लिए हैं। इन दिस चैप्टर वी विल प्रूव दैट सम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अपने को इसमें आइडेंटिटी प्रूफ करना है बहुत सारा, एंड यूज देम टू प्रूफ अदर यूजफुल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। मतलब उस फॉर्मूले का यूज़ करके अपने को दूसरा फॉर्मूले प्रूफ करना है। ठीक है, इसका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ लेते हैं अपन क्या क्या है। जैसे कि अपन लिख सकते हैं इसको, ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 लिख सकते हैं अपन। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी होता है हमारा, बेसिक आइडेंटिटी है। तो अगर आप इस वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का मास्टर हो जाएंगे। आप एकदम आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे बोर्ड में भी, हर चीज़ में। अभी जो मैं पहले वीडियो बनाया हूँ चैप्टर 5 के ऊपर, अगर उसको आप बिना स्किप किए कंटिन्यूस वीडियो को देख लिए तो आपका 1.5 आवर में चैप्टर 5 आरडी शर्मा कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए वीडियो को पूरा आराम से देखें। अपन जानते हैं एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी अपॉन सी माइनस ए सी माइनस बी, और एलसीएम निकालेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम आएगा ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए। ठीक है, तो इसका ये टोटल कुल मिला के 1 हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ऐसे बताने के लिए बताया हूँ आपको। अपन ये देखते हैं पहला थ्योरम। थ्योरम क्या है, ये आइडेंटिटी है, इसको आपको याद करना है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये एक आइडेंटिटी है। इससे बहुत सारे फॉर्मूला बनेंगे, एक मिनट आपको आगे और दिखाता हूँ। हाँ, ये जो आइडेंटिटी है ना पूरा, ये इतना ही आपको बस याद करना है, इतना ही बस याद करना। उसके बाद आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। ये एक्सरसाइज तो हो ही जाएगा आपको, ये बेसिक आइडेंटिटी याद करने से। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बहुत ईजी है ये। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 1, उसी को अपने को इस फॉर्म में चेंज कर दिया। बस ये क्या किया है, कॉस स्क्वायर का निकालना है वैल्यू का। मान चलो क्वेश्चन में बोल दिया कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालो, कैसे करोगे, साइन स्क्वायर की साइड भेज दोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज वैल्यू ऑफ आ गया कॉस स्क्वायर थीटा का। ये आपको जरूरी नहीं है, आपको बस एक ये याद रखना है, फिर से आप सब चीज़ निकालो। जैसे बोल दिया आपको साइन स्क्वायर थीटा निकालो, तो कैसे निकालोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपन जानते हैं। साइन स्क्वायर थीटा का निकालना है तो कॉस स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आ गया साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ गया। उसी प्रकार ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ये वाला हो गया, ये फॉर्मूला याद करना है आपको। और फिफ्थ नंबर वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कि सभी जो टिक कर रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये जो फॉर्मूला है ना इससे आपका सब चीज़ निकल जाएगा। अगर sec बोल दी तो sec वैसे निकल जाएगा शिफ्ट करके, और tan बोलेंगे तो tan निकल जाएगा। और ये वाला इंपॉर्टेंट है 8, cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है,
ये वाला इम्पोर्टेंट था, जो डब्बा बनाया हूँ वो इम्पोर्टेंट है, ये नहीं है क्योंकि ये तो इसी से निकल जाएगा, एक ठो याद रखोगे सब चीज़ निकल जाएगा इससे। और अपन जानते हैं ये वाला अपने को याद करना है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा को अपन लिख सकते हैं 1 माइनस कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है। सेक थीटा को सेक प्लस टेन थीटा को लिख सकते हैं अपन कि ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इतना ईजी है, इसको ही बस आपको याद करना है, इसके बाद पूरा हो जाएगा आपका ये एक्सरसाइज, ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इसी फॉर्मूले के बेसिस में हर चीज़ बनने वाले हैं। आप इसका प्रीवियस चैप्टर का वीडियो देख लीजिए, अगर नहीं देखे हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो बेसिक है ट्रिग्नोमेट्रिक का, आप फर्स्ट टाइम क्लास टेंथ में देख रहे हैं तो वो प्रीवियस अब चैप्टर आपको पढ़ना ही पड़ेगा समझने के लिए। व्हाट इज साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन कॉस थीटा, ये फॉर्मूला अभी यूज़ हो चुका है प्रीवियस चैप्टर में, इसका वीडियो का प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, आप चाहे तो देख सकते हैं जाके, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपन अब क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल नंबर 1 का क्वेश्चन है ये, प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, प्रूफ करना है अपने को। जैसे कि अब दे दिया है आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब अपने को 1 प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? 1। तो अपन जानते हैं फॉर्मूला, अपन जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा, साइन मान लेते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसको कॉस मान लो आप, कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इससे निकल जाएगा अपना, इससे निकल जाएगा ना। अगर अपने को कॉस निकालना है तो इधर शिफ्ट कर देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ लिखा है जैसे कि, तो कॉस स्क्वायर आ गया, तो मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या आएगा, यहाँ पास कॉस स्क्वायर आएगा। और सेक स्क्वायर अपन जानते हैं क्या होता है, 1 बाय कॉस, तो कॉस और कॉस कट जाएगा, तो क्या आएगा आंसर 1, मतलब LHS RHS इक्वल हो गया प्रूफ। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, बस सिंपल है, एकदम ईजी है, आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। वो तीन फॉर्मूला बस आपको याद करना है, 3 या 5 फॉर्मूला अगर आप याद कर लिए तो आपका आराम से कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया है अपने को, अपन LHS मान लिए, शायद इसको भी 1 ही प्रूफ करना है अपने को। ये LHS दे दिए, कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज। अपन जानते हैं सेक स्क्वायर sec square theta minus tan square theta is equal to 1, ठीक है। इसको क्या कर सकते हैं अपन, tan अगर निकालना है, 1 प्लस टेन निकालना है अपने को, तो tan को शिफ्ट कर देंगे तो sec का वैल्यू आ जाएगा, मतलब यहाँ जो लिखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec theta, मतलब कि sec theta अपन डाल देंगे यहाँ पास अपन एज इट इज की जगह पर sec square theta डाल दिए। और सेक को जानते हैं क्या होता है, 1 बाय कॉस, कॉस से कॉस कट गया, तो क्या आएगा इज इक्वल टू 1 प्रूफ हो गया। थर्ड क्वेश्चन सेम वैसी छे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये इधर था पहले, इसको अपन इधर शिफ्ट कर दिए, तो क्या हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं अपन, तो कोसेक डाल दिए अपन, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब जानते हैं कोसेक क्या होता है, कोसेक होता है 1 बाय साइन, कोसेक क्या होता है 1 बाय साइन, तो 1 बाय साइन स्क्वायर आएगा नीचे, तो साइन ऊपर चले जाएगा। कोसेक क्या होता है, यहाँ लिखा है कोसेक क्या होता है, 1 बाय साइन थीटा होता है, तो यहाँ पर अगर स्क्वायरिंग करेंगे अपन दोनों साइड, बोथ साइड स्क्वायरिंग करिए, यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा, तो साइन स्क्वायर हो गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, साइन ऊपर चले जाएगा, तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं, ये वाला LHS दे दिया 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, अपने को प्रूफ करना है 2 sec square theta अपने को प्रूफ करना है क्वेश्चन में, और अपने को क्वेश्चन ये वाला है, देख के घबराने का नहीं, एकदम इजी, एकदम पूरा फॉर्मूला बेसिस है,
आपको जैसा क्वेश्चन दिया इसको सिंपलीफाई करना है, बस सिंपलीफाई और कुछ नहीं करना है। आराम से जो क्वेश्चन दिया इसको सॉल्व करते जाना है, फॉर्मूला अप्लाई करते जाना है, बस और कुछ नहीं। जैसे कि 1/1 + sin θ दिया है प्लस 1/1 - sin θ दिया है। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है, क्या कर सकते हो आप? कुछ नहीं कर सकते एलसीएम के अलावा। तो ऑन टेकिंग एलसीएम ले लिया अपन, एलसीएम निकाल लिए 1 - sin θ प्लस 1 + sin θ अपॉन 1 + sin θ ब्रैकेट क्लोज 1 - sin θ। तो ये साइन साइन कट जाएगा, माइनस प्लस स्क्वायर 2/1 - sin²θ। LHS इज इक्वल टू 2/cos² हो गया, क्योंकि 1 - sin क्या होता है, 1 - sin होता है cos²θ। और cos² डाल दिया अपन, 2/cos² क्या होता है, 1/cos² होता है। यहाँ स्क्वायरिंग करोगे अगर, यहाँ भी स्क्वायर तो क्या होगा, 2/cos² क्या होगा, 2/2 sec² हो जाएगा, क्योंकि sec को 1/cos होता है। बस प्रूफ हो गया LHS, ये भी प्रूफ हो गया। अगला देखते हैं, LHS दे दिया है आपको, ये दिया है, प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ करना है आपको। देख के समझाना नहीं कि वहाँ प्लस है, आपको मल्टीप्लाई में कैसा है, कुछ नहीं करना है। अपन इसके आगे क्या कर सकते हैं, कोसेक का जानते हैं अपन, कोसेक होता है 1/sin, तो 1/sin²θ, sec होता है 1/cos²θ। LHS इज इक्वल टू cos²θ प्लस साइन, LCM निकाल लिए अपन, cos इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos²θ प्लस sin²θ अपॉन cos²θ sin²θ। ये तो ऊपर वाला 1 होता है, 1/sin²θ cos²θ, तो 1/sin² क्या हो जाएगा, cosec, ये क्या होगा, sec². बस आगे वो ये प्रूफ करना था। एग्जाम्पल नंबर 6 देखा जाए, LHS रूट में दिया है, रूट में दिया है sec²θ प्लस cosec²θ। कुछ नहीं करना है अपने को, सिंपल सॉल्व करते जाना है, अपने को प्रूफ देखना है, प्रूफ देख के घबराना नहीं, ये प्रूफ करना है। मतलब कि देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, इसमें से कम 10-12 नंबर या 15 नंबर क्वेश्चन आने ही हैं। और इसमें एक खासियत और रहता है कि आपको प्रूफ दिया, प्रूफ में आपको एडवांटेज क्या मिलता है इसका समझ लीजिए। प्रूफ में आपको एडवांटेज ये मिलता है कि आपका आंसर जो है वो सामने दिया हुआ है, आंसर जो है वो सामने दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, बाकी क्वेश्चन में आपको आंसर नहीं मिलेगा, पर प्रूफ में आपको आंसर भी पता है कि ये आंसर लाना है, तो आप कैसे भी प्रूफ करके ला सकते हैं, पर सही मेथड से। जैसे कि √sec²θ प्लस cosec²θ दिया, अपने को आंसर ही देखने, घबराना नहीं, सब सिंपल क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। sec² का फॉर्मूला जानते हैं अपन, क्या होता है, sec निकालना है अगर अपने को, sec² प्लस, सॉरी यहाँ फॉर्मूला माइनस होता है, sec²θ माइनस tan²θ, tan²θ माइनस इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, यहाँ माइनस है, ये माइनस, तो अगर इसको इधर शिफ्ट कर दूंगा तो क्या आएगा, 1 + हो जाएगा। तो sec² जगह का क्या लिख सकता हूँ, 1 + tan², वैसे ही cosec²θ माइनस cot होता है, cot को इधर शिफ्ट कर दूंगा तो 1 + cot²θ हो जाएगा, 1 + 1 = 2, tan²θ प्लस cot, यहाँ थीटा मिसिंग है, कोई बात नहीं, हम बना लेते हैं, tan²θ प्लस cot²θ इज प्लस 2, तो इसके बाद ये क्या हो जाएगा, एज इट इज वैसी रहेगा। अब 2 क्या लिख सकते हैं, tan θ प्लस मल्टीप्लाई cot θ, क्या होता है, 1 होता है, अपन जानते हैं cot का फॉर्मूला होता है 1/tan θ। तो इसका a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला दिख रहा है, a + b + 2ab, तो tan θ प्लस cot θ का होल स्क्वायर, तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो tan θ प्लस cot θ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन अपने को 2 प्रूफ करना है, ठीक है। ये दिया है sin²θ माइनस cos²θ प्लस 1 cosec। अब इसमें ये देखना है अपने को, अपन क्या कर कह सकते हैं, अपने सिंपलीफाई ये करना है कि स्क्वायर दिया है, तो sin²θ का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस cos²θ का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 1 cosec²θ बाहर एजेडीज छोड़ देते हैं, जानते हैं अपन। अब इसमें ध्यान देखो, a² - b² आइडेंटिटी लग सकता है, इसमें लगेगा ही लगेगा। तो a इसमें क्या है, ये sin²θ a है, b क्या है, cos²θ, a + b पहले होगा, a + b होता है फॉर्मूले में, sin²θ प्लस cos²θ ब्रैकेट क्लोज, sin²θ माइनस cos²θ प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, cosec बाहर ही रहेगा अपना, cosec²θ।
उसके बाद अपन जानते हैं साइंस को थीटा प्लस कॉस का क्या होता है, वन। आपको ब्रैकेट में ऐसे ही लिखना है जैसे इस बुक में लिखा हुआ है, एज इट इज़ आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो गया, ये वन हो जाएगा, ये वाला बचेगा प्लस वन, ठीक है। अब एक तो वन हो गया, उसमें अंदर क्या बचा, अंदर बचा साइंस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस वन, कोसेक स्क्वायर थीटा बाहर है। अपन जानते हैं वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ से अगर कोस की जगह शिफ्ट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये साइंस स्क्वायर थीटा यहाँ इज इक्वल टू में है, तो इसके जगह ये वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा जो है, इसके जगह अपन डाल देते हैं साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ जो लिखा है डाल दिए कोसेक स्क्वायर। अब क्या हो गया, टू साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ मल्टीप्लाई मिसप्रिंट हो गया, मल्टीप्लाई, उसके बाद ये वन बाय साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये कट जाएगा, आंसर आएगा टू, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अब ये वाला देखते हैं, एग्जांपल नंबर टू में पहुँच गया अपन, आपको पूरा बताया हूँ मैं, अगर इतना भी आप करते हैं ना तो आराम से आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, और मैथ्स में आगे निकालने का तरीका वही है कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रूव दैट द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इज कॉट स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस वन। सॉल्यूशन देखते हैं, इफ वी हैव LHS लिए पहले, LHS इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन बाय साइन स्क्वायर थीटा, क्वेश्चन गिवन है। अब साइन स्क्वायर जानते हैं अपन क्या होता है, वन बाय साइन स्क्वायर होता है कोसेक, इसको डाल दिए अपन कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद क्या होगा अपना, ये माइनस है अपन जानते हैं कि कॉस कोसेक कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, नहीं लिख रहा हूँ मैं, दिक्कत ज़्यादा है इसलिए आप समझ जाना, इज इक्वल टू वन लिख सकते हैं अपन। तो यहाँ उल्टा लिखा है, अपन क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर माइनस कॉमन लिए तो क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और इसका फॉर्मूला क्या होता है वन, तो वन को अपन डाल दिए तो माइनस वन आ गया, यही प्रूफ करना था अपने, ठीक है। आगे ये वाला देखते हैं, घबराने की बात नहीं, कुछ नहीं है इसमें, देखो इसमें क्या करना है अपने को, बेसिक अपने क्वेश्चन जो दिया उसके बाद सिंपली करते जाना है, प्रूफ को भी नहीं देखने का, ज़्यादा डिपेंड नहीं करता। जैसे ये क्या लिख सकते अपन, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी दिया है, ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज ए माइनस बी ब्रैकेट क्लोज, तो क्या होता है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है कि नहीं, वही लगा दिया इस फॉर्म में दिया, तो भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया, वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब जानते हैं ऐसे क्या होता है, ऐसे इसको थीटा, ये क्या होता है कॉस, यहाँ लिख दिया गया है, ऐसे ही आपको भी लिखना है, बोर्ड में फुल नंबर मिलेगा आपको, तीन नंबर दो नंबर में क्वेश्चन आता ही चाहिए, प्रूफ वाला आएगा ही आपके पास, ये कट जाएगा, इसको अपन लिख दिए एक्सपांड करके इज इक्वल टू वन, आंसर प्रूफ हो गया। सेम क्वेश्चन ये वाला भी, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, वन स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा, और जानते हैं वन माइनस कॉस को क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा डाल दिए, और वन प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है कोसेक होता है, कोसेक डाल दिए, कोसेक स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, कोसेक क्या होता है वन बाय साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, ये भी प्रूफ हो गया। अब ये वाला देखते हैं, ये दिया है कोसेक को क्या, वन बाय कॉस स्क्वायर थीटा क्या क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर लिख सकते हैं, वन बाय सेक स्क्वायर है, अपन जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन होता है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है, तो इसकी जगह वन डाल दिए, इसकी जगह पूरे एक जगह, तो यार माइनस वन आ गया, प्रूफ हो जाएगी। अब ये वाला देखते हैं, इसमें अपने को ये लाना है, तो अपन क्या किए मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से कर दिए, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से वन, यहाँ माइनस दिया है, जैसे अपन रैशनलाइज करते हैं ना ऊपर नीचे, यहाँ अगर नीचे डिनोमिनेटर में अगर अब जो माइनस है तो वहाँ प्लस लेंगे, मतलब यहाँ जो भी साइन रहेगा उसका अपन अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, ठीक है।
तो वही करना है आपको भी। यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई कर दिए, वन प्लस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा। इसको लिखेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा वन प्लस कॉस थीटा, ये हो जाएगा वन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा डाल दिए अपन, तो साइन साइन कट जाएगा एक हो गया यहाँ पास, तो वन प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ये बचेगा। तो अपन इसको तोड़ के लिख लिए अलग अलग फॉर्म, वन बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, वन बाय साइन थीटा क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, ये हो जाएगा कॉट थीटा आरएचएस। ये फॉर्मूला है इसका, कोसेक का क्या होता है वन बाय साइन थीटा, कॉस थीटा क्या कॉट थीटा फॉर्मूला क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अच्छा जैसे ये क्वेश्चन दिया है तो इसमें अपने इसमें कुछ कर नहीं सकते अपन, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते गलत हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, टेन थीटा फॉर्मूला जानते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और साइन थीटा प्लस में एज इट इज लिखा जाएगा, वैसे टेन थीटा डाल दिया माइनस का लिख दिया, एलसीएम निकाल लिए, एलसीएम नहीं तो कॉमन निकाल लिए पहले अपन, साइन थीटा कॉमन निकाल लिए तो क्या हो जाएगा, वन बाय कॉस थीटा प्लस वन, इसे वन बाय कॉस थीटा माइनस वन, साइन साइन कट जाएगा, तो ये हो जाएगा वन बाय सेक थीटा, मतलब वन बाय कॉस क्या होता है सेक थीटा प्लस वन, सेक थीटा माइनस वन, यही लाना था इसलिए अपन ऐसा कर दिया। अब ये वाला क्वेश्चन दिया तो इसमें क्या करना है अपने को, एल एच एस कॉट थीटा है मतलब कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और माइनस का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये आ गया, ये स्टेप समझ आ गया आपको। उसके बाद एल एच एस में अगले स्टेप में देखते हैं क्या कि एल सी एम निकाल दिए क्रॉस मल्टीप्लाई, एल सी एम निकालेंगे तो दोनों अलग अलग टर्म है, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। इसको अपन क्या करते हैं, साइन स्क्वायर की जगह वन माइनस कॉस डाल देते हैं, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डाल दिए अपन। अपने को प्रूफ के अकॉर्डिंग देखना, प्रूफ में देखिए अपन कॉस के टर्म में ही है ऊपर बस, तो अपन इसको भी कॉस में कन्वर्ट कर लिए, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर तो ये आया, तो क्या हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। सेम वही क्वेश्चन है, इसमें टू आ जाएगा बस। अब ये वाला देखते हैं, इसमें रूट है मतलब इसमें रूट को अपने को हटाना है, तो रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। नीचे जो साइन दिया है वन प्लस साइन थीटा दिया है, जब भी रूट आएगा तो आपको इसमें रैशनलाइज करने की जरूरत पड़ेगा। वन प्लस है मतलब माइनस को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया अपन पहले, ये स्टेप समझ आ गया, वन माइनस साइन थीटा अपन वन आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। उसके बाद ये हो जाएगा वन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद नीचे का हो जाएगा वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा को एज इट इज छोड़ दो, इसको भी एज इट इज छोड़ दो, रूट निकालना है अपने को, तो रूट से बाहर निकलेगा तो इसको पहले इस फॉर्म में लिखते हैं, वन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा को अपन एक साथ लिख सकते हैं, वन माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ब्रैकेट में क्लोज होल स्क्वायर, उसके बाद रूट ये स्क्वायर और रूट कट जाएगा, तो वन माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको ब्रेक कर लिए अपन अलग अलग डिवाइड कर लिए, वन बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। उसके बाद आएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, कि वन बाय कॉस थीटा होता है सेक थीटा और साइन बाय कॉस होता है टेन थीटा, ये भी हो गया। अब इसमें भी वही करना है, आप इसको खुद से बना लेना, आगे बढ़ते हैं। इसमें भी आपको ऊपर नीचे मेरे ख्याल से मल्टीप्लाई करना है, देखो मल्टीप्लाई किया इसको भी बना लोगे आप आराम से, आपको पीडीएफ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें प्लीज़, पूरे एफर्ट के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि बोर्ड के लिए कोई भी एग्ज़ाम है आपको सीजी हो या सीबीएसई सब में आना ही है ये क्वेश्चन, ठीक है। आप ट्रिग्नोमेट्री में एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे, ये ऐसा ट्रिक्स समझा रहा हूँ आपको, अगर ऐसा सॉल्व कर दिया आपको कोई नंबर काट नहीं सकता, एक नंबर नहीं कटेगा आपका। अब ये वाले में क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो सबको खोल दो, सबका फॉर्मूला डाल दो, कोसेक का वन बाय साइन डाल दी, साइन कुछ खुल नहीं सकता, साइन का एडिट छोड़ दो, सेक का वन बाय कॉस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा छोड़ दो, टेन थीटा का होता है साइन बाय साइन थीटा अपन कॉस थीटा, इसको भी खोल दिए, प्लस टेन थीटा क्या होता है कॉस थीटा अपन साइन थीटा, ऐसे लिख लिया अपन पूरा इस फॉर्म में।
उसके बाद क्या, वन माइनस साइन कॉस स्क्वायर होता है, एलसीएम निकाल लेना, सबका सॉल्व हो जाएगा, आ जाएगा आंसर। इसको भी देखे कुछ नहीं करना है, इसमें कॉमन जो आ रहा है कॉमन ले लो, ऊपर नीचे साइन बैग और टेन होता है, टेन आना है, ये कट जाएगा आपका, ये भी इजी। हाँ ये वाला अपन पूरा देखेंगे क्योंकि ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला तो देखो एनसीईआरटी कई बार आया एग्जाम्पल में, मतलब कि एग्ज़ाम में एनसीईआरटी तो आना ही है, और ये सीबीएसई 2000 में भी आया, मतलब सीबीएसई 2000 में आया, इससे मेरे को हम लोग को मतलब नहीं है, हमको सीबीएसई में आया है इससे मतलब है, यही बड़ी बात है। इस इन पाँचों को छठवें क्वेश्चन को सबको देखेंगे अपन अभी, कि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब में प्रूफ करना है आइडेंटिटी को, बहुत ईजी है, बहुत ईजी, सब में फॉर्मूला बस लगाना है। देखो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको बता रहा हूँ मैं, जैसे कि ये वाला है, इसमें आपको पहले क्या दिख रहा है, होल स्क्वायर फॉर्मूला है, तो ए प्लस बी को ओपन कर दो, ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला को ओपन कर दो, इसमें भी पहले ओपन कर दो, सिंपल दिख रहा है उसको करना पहले। और इसमें मैं सेक को तोड़ा क्यों नहीं, क्योंकि देखो यहाँ टेन और कॉट के फॉर्म में है, इसमें साइन कॉस के फॉर्म में है क्या, नहीं है, टेन कॉट के फॉर्म में है, मतलब हमको तोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, अपन वन बाय कोसेक का वैल्यू वन बाय साइन नहीं डालेंगे, कोई मतलब नहीं है डालने का, इसलिए अपन नहीं, अपन जो फॉर्मूले हैं उसको एज इट इज़ खोल दिए। जैसे कि ये इन्होंने लिखा है पहले वी है, गिवन लिख लेना पहले, एल एच एस इज इक्वल टू, ये गिवन अपने को ये इसको सॉल्व करना है, उसके बाद क्या होगा, इसको खोल लिया अपन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा कोसेक थीटा प्लस इसके खोले कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस टू कोस थीटा सेक थीटा, उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन, इसका फॉर्मूला होता है वन बाय साइन थीटा, इसको डाल दिए ये कट गया, कोस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टू कोस थीटा अपन वन बाय कोस थीटा, सेक का वैल्यू डाल दिए यहाँ पास, ये कट जाएगा। इसलिए जो दिख रहा है उसी को पहले करना है और कुछ नहीं, जो सिंपल सिंपल दिख रहा है आपको, जैसे आप सॉल्व किए तो अपने आप को पता चल गया, पहले स्क्वायर खोले आप, पहले आप प्रूफ से पता लगाना है कि अपने को क्या करना है। जैसे यहाँ प्रूफ में बोला टेन के फॉर्म में, ना ये साइन के फॉर्म में, ना ये कॉस के फॉर्म में, ये टेन के फॉर्म में, तो अपने को साइन के फॉर्म या कॉस के फॉर्म में खोलना ही नहीं है इसको, अपन जैसा है वैसा सिंपल सॉल्व करेंगे, स्क्वायर तो स्क्वायर होल स्क्वायर फॉर्मूला डाल के खोल दिए, उसके बाद यहाँ कोसेक दिख रहा है और साइन दिख रहा है, मतलब ये कटने वाला है, अपने को दिख रहा है कट जाएगा, तो वन बाय साइन डाल दिए कट गया, वैसे इधर भी किए। उसके बाद अब अगले स्टेप में देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस टू कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस टू, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, कोसेक को जानते हैं अपन क्या होता है, वन प्लस कॉट होता है, ठीक है। देखो यहाँ प्लस है बीच, मल्टीप्लाई है क्या, नहीं प्लस है, तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को एक साथ लिख दिए, कोसेक स्क्वायर और सेक को एक साथ लिख दिए, प्लस फोर लिख दिए, टू टू फोर होता है, ठीक है। ये वन हो जाएगा, ये वाला टर्म पूरा वन हो जाएगा, इसको वन लिख लिया अपन। कोसेक का जानते हैं अपन, यहाँ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पढ़े थे अपन, तीन फॉर्मूला बस आपको याद करना, सब निकल जाएगा उससे। कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, अपने को यहाँ रख देना है, सेक स्क्वायर थीटा के जगह वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा रख देना है, तो क्या हो जाएगा, वन प्लस वन टू, टू प्लस वन थ्री, थ्री प्लस फोर सेवन, ये आ गया सेवन, यहाँ टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। वेरी इजी क्वेश्चन, सीबीएसई में आना ही है, अच्छे से प्रैक्टिस, मैथ्स में इंटेलिजेंट वही बनता है जो प्रैक्टिस ज़्यादा करता है, ठीक है। इसमें वही डायलॉग आपको काम आएगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। 2 घंटे कम से कम मैथ को देना, आराम से सॉल्व हो जाएगा, या आपको एक्सरसाइज करना है पूरा कंप्लीट, मैं आपको जितना कराया हूँ उतना ही एक्सरसाइज आपको होमवर्क भी दूंगा अभी। ठीक है, एलएचएस, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो, ये प्रूफ किया, मतलब अपने को प्रूफ ये करना है, प्रूफ अपने को ये करना है, ये प्रूफ किया अपने को, प्रूफ ये करना है, ठीक है।
अभी अपन सॉल्यूशन को देखते हैं। ये क्वेश्चन गिवन है, वी हैव LHS दे दिया है आपको, साइन सॉरी ये तो हाँ ये वाला साइन थीटा प्लस sec थीटा cos थीटा प्लस cosec थीटा। अब आप बोलोगे कि अपन जो दिख रहा है इसको करते हैं, इसमें क्या दिख रहा है आपको, साइन थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर दिख रहा है, होल स्क्वायर खोलना है, नहीं वो तो खोलना ही है, लेकिन अपने को sec के जगह 1/cos भी डालना है। क्यों? क्योंकि यहाँ जब sec और cosec जब मल्टीप्लाई में आएगा तो कब आएगा, जब आप उसको इस फॉर्म में पाओगे साइन थीटा cos थीटा, जब भी इस मल्टीप्लाई में आता है मतलब साइन थीटा cos थीटा फॉर्म आपको खोलना ही पड़ेगा, ये लॉजिक है इसके पीछे, तो वो प्रैक्टिस करते करते आपको लॉजिक मिलेगा इसका, ठीक है। लेकिन मैं आपको अभी से बता रहा हूँ ताकि दिक्कत ना हो आगे। साइन थीटा प्लस sec थीटा अपन खोलना ही है, स्क्वायर दिख रहा है मतलब खोलना तो है ही उसको, जो सामने दिख रहा है वो पहले करना है वो ठीक है, पर हम वैल्यू डाल लेते हैं पहले, बाद में खोलना ही पड़ेगा उससे अभी डाल देते हैं। sec थीटा वैल्यू डाल दिए 1/cos थीटा का होल स्क्वायर, cos थीटा प्लस cosec का डाल दिए 1/sin थीटा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा 1/cos स्क्वायर थीटा LCM प्लस 2sin थीटा cos थीटा आ गया, 2sin थीटा cos a प्लस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b होता है, 2sin थीटा अपन cos थीटा हो गया प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा प्लस 2cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब अपन जानते हैं कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या होगा, वन एक साथ लिख लिया अपन पहले इसको, और ये वाला टर्म ये वाला टर्म इसको भी एक साथ लिख लिया, जो पेयर बन रहे हैं प्लस टू ये वाला टर्म और ये वाला टर्म एक साथ लिख लिया, टू कॉमन लेके ये होता है वन, स्क्वायर रूट छोड़ दिए, इसमें एलसीएम निकाल ली तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेम डिफरेंट टर्म है क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, यहाँ भी वन हो जाएगा और ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस मल्टीप्लाई में रहेगा, अब यहाँ भी प्लस में है अपन टू कॉमन ली, यहाँ भी एलसीएम निकलेगा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस को यहाँ भी बन जाएगा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। ये आ गया अपना यहाँ तक वन प्लस वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा वन प्लस टू, यहाँ वन पुट कर दिए ना अपन, यहाँ वन यहाँ वन यहाँ वन तीनों जगह वन डाल दिए, यहाँ वन टू मल्टीप्लाई वन हो जाएगा, टू मल्टीप्लाई वन तो टू हो जाएगा, ये तो ये आ गया अपना। अब ये क्या होता है ध्यान से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू ए बी ए और ए बी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा वन प्लस वन अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ देखो वन साइन थीटा कॉस थीटा क्या है, वन बाय साइन क्या होता है कोसेक होता है, और वन बाय कॉस थीटा क्या होता है सेक होता है, तो वन प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, और आरडी शर्मा का एक्सरसाइज जो है 6.1 उसका भी आधा सॉल्यूशन या पूरा सॉल्यूशन दे दूंगा आपको, लेकिन मैं जहां तक कराया हूं वहीं तक करना है आपको, पहले पूरे एग्जांपल को नोट करना क्योंकि सीबीएसई में भी आया है जो पढ़ा रहा हूँ, और सब लगभग पूरा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप स्टार्टिंग कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का, आपको फर्स्ट टाइम है ना, इसलिए आइडेंटिटीज़ को पूरा अच्छे से है। तीन ठोक आइडेंटिटी याद करना है आपको, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू वन, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट टेन स्क्वायर थीटा सॉरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, तीन फॉर्मूला बस याद करना है। पर एक ठोक तो बेसिक वाला है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और कोसेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, सॉरी कॉट आएगा वहाँ पास। तो अपन यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पास पहले क्वेश्चन में क्या दिया है उसको अपने को देखना है,
यहाँ पास दिया वन माइनस कॉस थीटा, मतलब आंसर किस फॉर्म में है, कॉस के फॉर्म में है। तो यहाँ पास क्या आएगा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर तो खोलना है ही, जो दिख रहा है क्वेश्चन में वो तो करना ही है, पर यहाँ जिस फॉर्म में आंसर है उस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। पहले कोसेक थीटा इज इक्वल टू, मतलब कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वन बाय साइन थीटा होता है, अपन वैल्यू डाल दी, कॉट का वैल्यू डाल दी, कॉस थीटा अपन साइन थीटा का होल स्क्वायर, एलसीएम निकाल लिए, सेम टर्म है, एलसीएम सेम आएगा, वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर कर दिए, वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, अब वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, ठीक है। अब यहाँ क्या आएगा, वन माइनस इसको साइन स्क्वायर को लिख दिया अपन, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि फॉर्मूला अपन पढ़े हैं, उसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी लिख फॉर्म ले सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, वन माइनस कॉस थीटा लिख लिया अपन तोड़ के इसको, वन प्लस कॉस थीटा लिख लिया अपन, फिर वन माइनस कॉस स्क्वायर का होल है, एक ठोक कट जाएगा इसका, इसमें से एक कट जाएगा, एक बचेगा, वन माइनस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा, ठीक है, ये प्रूफ हो गया अपना। अब फोर्थ वाला देखते हैं, इसमें कुछ नहीं है, फोर है पावर, जो दिख रहा है वही करना है अपने, इसको सेक स्क्वायर थीटा, इसमें क्या आएगा, कॉमन दिख रहा है अपने, कॉमन ले लेते हैं, पहले कॉमन ले लिए अपन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन आ गया। अब जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होता है, मतलब इस वन को अगर इधर शिफ्ट कर दोगे तो क्या आएगा, टेन आ जाएगा वैल्यू, तो टेन डाल दिया अपन, इसके जगह क्या आएगा, वन प्लस टेन, सेक के जगह अपन वन प्लस टेन डाल दिए, और अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन निकालना है तो टेन डालेंगे, तो यहाँ वही किया ये, वन सेक स्क्वायर जगह वन प्लस टेन डाल दिया, माइनस वन यही वाला सेक के जगह डाल दिया अपन, सेक के जगह इसको डाल दिया वन प्लस टेन स्क्वायर को, तो वन वन कट गया, तो आंसर क्या आएगा, टेन स्क्वायर थीटा आएगा, तो टेन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इस फॉर्म में आ गया। देखो जो जो क्वेश्चन प्रूफ करना है पहले अपने को प्रूफ देखना है, तो अपन यहाँ वन बाय कॉस क्यों नहीं चेंज किया, कि यहाँ टेन मिलाना है, और टेन मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेक के फॉर्म में ही लगभग सॉल्व करना पड़ेगा अपने को, और यहाँ जो दिख रहा है, दिख क्या रहा है, कॉमन आ रहा है, फॉर्मूला पुटअप करना है टेन का, तो दिख ही रहा है सीधा, अब ये वाला, अब इसमें भी वही है, पहले अपन पेयर बना लेते हैं, इसका पेयर और इसका पेयर, इसमें भी माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेंगे ना तो ये पहले आ जाएगा, ये बाद में आ जाएगा, नहीं माइनस कॉमन ही लेते हैं अपन इसमें, इसको पहले लिख लेते हैं, इसको बाद में लिख लेते हैं, तो ये लिख लिया, माइनस डाल दिया बीच में, माइनस कॉमन ले लिए इसमें, ये पहले आ जाएगा, ये आ गया, यहाँ तक समझ आ गया ना। अब आएगा कोसेक की पावर फोर थीटा, दोनों साइड अपन प्लस वन और माइनस वन कर दिए, प्लस वन और माइनस वन, देखो यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ अंदर में, तो माइनस वन आएगा, ठीक है, तो प्लस वन माइनस वन कर दिए, इसके अंदर प्लस वन की, इसके भी प्लस की, लेकिन बाहर माइनस है, ठीक है। तो कोसेक पावर फोर थीटा माइनस टू कोस स्क्वायर थीटा प्लस वन, माइनस सेक का पावर फोर थीटा माइनस टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस वन, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर फॉर्मूला है, ये वाला भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, अपन डाल दिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन का होल स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन का होल स्क्वायर क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा कॉट का पावर फोर थीटा माइनस टेन का पावर फोर थीटा, ये अपना कंप्लीट। आपने सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए हैं इस एक्सरसाइज का, आपका आठ नंबर अब कंफर्म हो गया है, अभी आप अगर इतना बना लिए, लेकिन देखने से वर नहीं होगा आपको, इस देखने के बाद फिर देखने पॉज करके आपको बनाते भी जाना है इसको,
जब तक रिटर्न वर्क नहीं करोगे तब तक आंसर नहीं आएगा। जब तक रिटर्न वर्क करोगे तब तक प्रैक्टिस नहीं होगा, और प्रैक्टिस नहीं होगा तो आप एग्ज़ाम में सॉल्व नहीं कर पाओगे। अभी आपको लगेगा कि समझ आ गया, पर जब तक रिटर्न नहीं होगा तब तक एग्ज़ाम में नहीं बनने वाला। अपन ये वाला देखेंगे अब सिर्फ, अब अपन सिर्फ CBSE NCERT क्वेश्चन देखेंगे बस, क्योंकि सब वही क्वेश्चन है, आपको खुद बनाना है। साइन थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा है, वन प्लस कॉस थीटा साइन थीटा है इज इक्वल टू टू कोसेक थीटा है। अब इसमें देखो क्या दिख रहा है आपको, पहले ये दिख रहा है इसमें कि अपने को पहले एलसीएम लेना है, ठीक है। एलसीएम ले लिया अपन, साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहले अपन एलसीएम ले लेते हैं इसका, देखते हैं सॉल्यूशन में एलसीएम ही लिया होगा। ये क्या किया है, पहले एलसीएम ले लिया, ये वाले क्वेश्चन में यहाँ शायद मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ वन प्लस कॉस थीटा था क्या, यहाँ पर नहीं, सेकेंड क्वेश्चन देख रहे थे अपन, सेकेंड। तो ये क्या किया, पहले एलसीएम ले लिया अपन, एलसीएम बोला मैं आपको, एलसीएम ले लिया अपन। एलसीएम लेने के बाद क्या करना है अपने को, इसका जो दिख रहा है सिंपल फॉर्मूला खोल दिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस वन प्लस टू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये और ये वाला टर्म जो है वो सेम पेयर है इसका, मतलब फॉर्मूला ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, इसको एक साथ लिख लिया अपन, इसको वन प्लस टू कॉस थीटा एक साथ लिख लिया, ये वन हो जाएगा वन प्लस टू कॉस थीटा, टू हो जाएगा टू प्लस टू कॉस थीटा, ये लिख आ गया, ये वाला स्टेप आ गया। उसके बाद टू कॉमन ले लिया, वन प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एज इट इज लिख देना है इसको। उसके बाद ये से ये कट जाएगा, टू अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, ठीक है। इतना आ गया, हो गया अपन। अब खाली वो वाला करेंगे ईयर वाले क्वेश्चंस, हाँ ये वाला करते हैं हम। और देखो आंसर में टू लाना है। अब आपके पास प्रूफ में बताना है आपको, मैं एक एडवांटेज तो आपके पास है कि आपके पास आंसर है, बाकी क्वेश्चन में आप आंसर नहीं देख पाएंगे, पर इसमें आपको प्रूफ में आंसर मिल जाएगा। और ये CBSE में आया है क्वेश्चन, इसमें आपको क्या दिख रहा है, पहले अपन सिंपल इसमें इसका फॉर्मूला खोल लेते हैं, क्योंकि इसमें टू लाना है सिंपल, इसमें कोई मतलब नहीं है अपने को, सो खोल के भी कर सकते हैं इसको अपन। पहले पूरा खोल लियो, वन प्लस कॉट थीटा दिया मतलब कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस वन बाय साइन थीटा हो गया, वन प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन का डाल दिया, सेक का वन बाय कॉस थीटा। एलसीएम ले लिए तो क्या आएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन, इसमें एलसीएम लेंगे क्या आएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस वन। अब इसमें ध्यान से देखो, इसमें ये वाला टर्म जो है ना पूरा, ये इसको ए मान लेते हैं, ये ए, और ये वाला टर्म जो है उसमें उसको बी मान लेते हैं, हाँ इसको ए मान लेते हैं और ये वाले टर्म को बी मान लेते हैं, वन को, इसमें भी वन को बी मान लेते हैं, तो क्या बन रहा है, ये ए प्लस बी, ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही लगा दिया यहाँ पर, ए स्क्वायर ए ये माने थे, बी ए माने थे, देखो साइन थीटा क्लॉक कॉस्ट ए माने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिए, अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा आ गया, इसका वैल्यू क्या होता है, वन, ठीक है। नहीं पहले अपन, हाँ इसको पहले खोल देते हैं अपन, अभी वन नहीं होगा बाद में होगा, पहले खोल दिया अपन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस को थीटा प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस वन को एज इट इज लिख दिया अपन साइन थीटा कॉस थीटा। अपन ये जानते हैं ये वाला टर्म जो है वन होता है, वन डाल दिए प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा माइनस वन, ये वन और ये वन कट जाएगा, उसके बाद क्या आएगा, टू साइन थीटा कॉस थीटा, अब ये कट जाएगा, तो क्या आंसर आएगा, टू,
और कौन सा था ईयर में, ईयर में थर्ड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं अपन, थर्ड में तो रूट है, मतलब अपने को क्या करना है, रूट से बाहर निकालना है, तो वो फॉर्मूला पुट अप करना पड़ेगा। पूरा फॉर्मूला के बेसिस पे है ये sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा रूट में है, ठीक है, रूट में है ना। तो क्या करते हैं अपन, sec को लिख तोड़ते हैं, फॉर्मूला डाल देते हैं, वन प्लस tan स्क्वायर थीटा डालते हैं इसका, cosec का वन प्लस cot स्क्वायर थीटा ये डाल दिए, इसके बाद वन प्लस वन टू हो जाएगा, टू tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा। अब जानते हैं इसको, यहाँ पर tan थीटा cot थीटा इज इक्वल टू वन होता है, tan थीटा cot थीटा इज इक्वल टू वन होता है, अपन ये जानते हैं फॉर्मूला। तो अपन यहाँ वन की जगह, यहाँ मल्टीप्लाई वन था, यहाँ टू मल्टीप्लाई वन था, तो वन की जगह अपन यहाँ क्या लिख दिए, वन की जगह अपन यहाँ टेन मल्टीप्लाई कॉट लिख दिए, फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी, इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए, तो ये टू ए बी बन गया, ठीक है। तो क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या आएगा tan थीटा प्लस cot थीटा। उसके बाद ये तीन क्वेश्चन देखते हैं अपन, ये और ये, ठीक है। इसमें देखो क्या दिख रहा है आपको, इसमें अपन कुछ सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए अपन पहले क्या कर दिए, क्या कर दिए बताओ 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 बताओ। यहाँ अगर माइनस है तो अपने को रैशनलाइज करके प्लस को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, पहले मल्टीप्लाई कर दिए क्या आएगा, कोसेक ए प्लस कॉट ए ऊपर आ गया, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एंड लग गया, माइनस कॉस एज इट इज। अब यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं अपन, फोर्स को क्या लिख सकते हैं अपन, कोसेक ए प्लस कॉट ए ब्रैकेट क्लोज, कोसेक ए माइनस कॉट ए, प्लस वाला टर्म कट जाएगा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अरे अपन जानते हैं ना इसको क्या लिखेंगे, अपन लिखते नहीं जम रहे, कोसेक ए प्लस कॉट ए है, तो ये क्या लिखे, कोसेक ए माइनस कॉट ए, तो अपन जानते हैं ना ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी क्या लगता है, यह लगता है बताया था आपको जो, अभी लिख के बताया था ना, वो आइडेंटिटी लगाना, तोड़ना इसको, प्लस से प्लस कैंसिल हो जाएगा, नीचे वन बाय कोसेक स्क्वायर ए माइनस ए कॉट ए आएगा, वन बाय कोसेक ए माइनस कॉट ए, फॉर्मूला क्या होता है, वन बाय कोसेक है ना ये, कोसेक ए माइनस माइनस कॉट ए, अरे यार कॉट ए इज इक्वल टू होता है, इज इक्वल टू होता है कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये फॉर्मूला अपन जानते हैं, यहाँ डाल दिए माइनस ये कट जाएगा, ये वाला टर्म कट गया, ये कॉट ए आ गया अपने पास, एल एच एस क्या आएगा कॉट ए। अब आर एच एस को भी सॉल्व करना है, इसमें एज इट इज़ वैसे मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस का फिर सॉल्व किए, फिर वैसे सॉल्व किया आ गया आंसर, इसमें इसमें क्या कट जाएगा अपना कोसेक कोसेक, इसमें भी कट जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, कॉट आ गया इसमें भी, ठीक है, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस कर दिए। अल्टरनेट मेथड भी है इसका, इसको डायरेक्ट फॉर्मूला में डाल दो, ऊपर लिख दो, हाँ ये डायरेक्ट फॉर्मूला में तो फॉर्मूला होता है ना ये वाला, इसको डायरेक्ट डाल दिए अपन जो बोली को बताया था ऊपर, तो ये कोसेक कोसेक कट गया आ गया, अपन एल एच एस को ऐसा कर दिया, आर एच एस को सॉल्व करना पड़ेगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ये भी ईयर में आया था, कॉस ए प्लस साइन ए ये दिया है, खोल दिए साइन बाय कॉस बाय, कॉस बाय साइन कर दिए, एलसीएम निकाल लिए, उसके बाद कॉस को ऊपर भेज दिए, कॉस को ऊपर भेज दिए, साइन को ऊपर भेज दिए, एलसीएम निकालने के बाद ये कॉस स्क्वायर ये आ गया, इसमें माइनस का कॉमन ले लिए, सॉरी इसमें माइनस कॉमन ले लिए, अब मतलब वही है, इसमें माइनस कॉमन ले लिए क्या आ गया, इस फॉर्म में आ गया कॉस ए माइनस साइन ए, ये भी चेंज हो गया,
उसके बाद क्या होगा, एलसीएम निकाल लिए तो कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है अपॉन नीचे आएगा कॉस है माइनस साइन है। अपन जानते हैं ए प्लस बी फॉर्मूला जानते हैं, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो अपन ये लिख इस फॉर्म में लिख लिए, फिर ये टर्म कट जाएगा तो कॉस ए प्लस साइन आ जाएगा। ये अपने ईयर वाला क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको बनाना ही है कॉपी में। इसको टेन ए अपॉन वन माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए अपॉन वन माइनस टेन ए, इसको अपने को वन बाय कॉट को वन बाय टेन लिखना है, कॉट को वन बाय एलसीएम ले लिए, इसमें वन बाय टेन का टेन को ऊपर भेज दिए और ये वाले टेन को नीचे ला लिए। उसके बाद क्या किया, टेन स्क्वायर ए अपॉन टेन ए माइनस वन, वन अपॉन टेन ए वन माइनस टेन ए, टेन स्क्वायर ए अपॉन टेन ए माइनस वन माइनस वन बाय टेन ए डी आ गया। अपने यहाँ तक समझ आ गया आपको, ये फिर से लगभग एज इट इज़ फिर से लिख दिया है, बस यहाँ माइनस इसलिए आया क्योंकि इसको इस फॉर्म में चेंज किया, यहाँ माइनस कॉमन ले लिए अपन, यहाँ माइनस कॉमन लिए, इसमें से टेन ए माइनस वन आ गया, यहाँ माइनस आ गया यहाँ पास, बस इस फॉर्म में लिखने के लिए एलसीएम लेने के लिए किए अपन एलसीएम लिए, तो टेन के एक यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस पर इधर हो जाएगा, ये तो है ही नीचे इसके, तो टेन क्यूब माइनस वन हो गया। ठीक है, अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आइडेंटिटी लगाए थे अपन, जानते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब के ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ डाल दिए वही वाला, तो ये वाला टर्म कट जाएगा, तो ये आएगा, इसको सबको ब्रेक कर दिए वन बाय, इसको एक साथ लिख दिए, इसको एक साथ लिख दिए, इसको वन बाय करके लिख दिए, इसमें टेन टेन कट जाएगा टेन आएगा, इसमें वन आएगा इसमें कॉट हो जाएगा, यह आ गया आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, अब ये वाला देखते हैं। ठीक है, ये वाला एग्जांपल में आया एन सी आर टी एग्जाम्पलर है, ये वाला देखते हैं एक बार अपन। सिक्स्थ ना, सिक्स वाला कहाँ है कहाँ है कहाँ है, ये वाला इसमें क्या दिख रहा है आपको, वही वाला क्वेश्चन है यहाँ पर, पहले ही वाला क्वेश्चन है कि स्क्वायर ए कॉमन ले लिए, इसको अपन क्या डाल दिए टेन डाल दिए, इसको वन प्लस टेन लिख लिए, इसको भी वन प्लस टेन डाल दिए, सेक की जगह वन वन कट गया, टेन का मल्टीप्लाई कर लिया आंसर आ गया, बस हो गया और कुछ नहीं है। ये वाला आया है ईयर में, ये वाला भी आया है ईयर में, फोर्थ फिफ्थ देखते हैं एक बार, फोर्थ फिफ्थ में कैसे किए, वही टेक्निक है, सामने फॉर्मूला पुटअप है, जो दिख रहा है वही करना। अब इसमें क्या दिख रहा है अपने को, इसको ध्यान से देखो, ये साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दिख रहा है, और यहाँ स्क्वायर है यहाँ टेन डाल, अगर इसको मन में सॉल्व किया जाए तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अपन मन में कर डाले वन माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एलसीएम निकालने तो आ गया कॉस थीटा माइनस वन, नीचे डिनोमीटर बता रहा हूँ ना, और साइन कॉस थीटा ऊपर चले गया, तो कॉस क्यूब ये भी हो जाएगा, ये भी कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा, और नीचे कॉस थीटा एलसीएम लेंगे साइन बाय कॉस हो जाएगा इसकी जगह, तो कॉस के इधर मल्टीप्लाई होगा एलसीएम लेंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आ जाएगा, और कॉस को ऊपर चले गया डिनोमीटर वाला तो कॉस क्यूब हो जाएगा, उसको एलसीएम ले लिए दोनों सेम टर्म आ गए, कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, अपन जानते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, अपन डाल दिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस ए स्क्वायर मतलब साइन कॉस स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस ए बी मतलब कॉस थीटा साइन थीटा, अपन डाल दिए, ये एक टर्म कट जाएगा, ये हो जाएगा वन, ये वाला टर्म ये वन हो जाएगा, वन प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, ये आ गया अपना प्रूफ हो गया। फिफ्थ वाला भी देख लेते हैं, फिफ्थ वाला भी आया ईयर में, फिफ्थ वाले में क्या करना है, इसमें आपको इसमें भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्मूला पहले फॉर्मूला लगा सिंपल सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं, पर पहले ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला निकाल लगा लेते हैं, उसके बाद सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं इसको भी, कैसे करेंगे इसको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, वही लिख दिए अपन, ए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये अपना क्या होता है वन होता है, और ये कट जाएगा ये वाला तो टर्म, वन माइनस साइन थीटा कॉस थीटा आएगा, और वन माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ पहले से, ये और ये टर्म कट जाएगा, तो क्या बचेगा आंसर वन, बस ये भी सी बी एस ई में है। अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, ये भी सी बी एस ई में है, एग्जाम्पल नंबर 12।
ये दिया है क्वेश्चन, एलएचएस लिया है अपन, ये दिया है इसको ब्रेक करो, इससे आया कुछ कर नहीं सकते, इसमें ब्रेक कर सकते हैं, साइंस को ये कर लिए, ऐसे निकाल लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इसमें, ये आया। इसके बाद क्या किए, साइंस स्क्वायर में वन माइनस कॉस स्क्वायर डाल दिए, और यहाँ कॉस स्क्वायर मतलब कि वहाँ जो साइंस स्क्वायर भी था उसमें वन माइनस कॉस स्क्वायर भी डाल दिए, मतलब सबको कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए। उसके बाद इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, ये आया ये आया ये आया। अब ये वाला टर्म, ये वाला टर्म कट जाएगा प्लस माइनस, ठीक है यह कट गया, तो कॉस स्क्वायर भी माइनस अपॉन कॉस स्क्वायर ही आया माइनस का, ये आया। अब इसको कह सकते हैं वन बाय साइन स्क्वायर भी माइनस वन बाय, इसमें कन्वर्ट कर लिए तो सीधा बन गया साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर भी, अपॉन में ये आ गया। अब आर एच एस भी यही प्रूफ करना था, हो गया सॉल्व। अब सी बी एस ई में ये वाला क्वेश्चन भी आया है, ठीक है। अब यहाँ तीन टर्म हैं, यहाँ पास तीन टर्म हैं, तो अपन जानते हैं फॉर्मूला ए माइनस प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए बी। यहाँ माइनस टू ए बी कैसे आया, क्योंकि ए मल्टीप्लाई माइनस बी माइनस टू ए बी, ए मल्टीप्लाई माइनस बी सी माइनस टू माइनस बी सी प्लस टू ए सी, फॉर्मूला डाल दिया अपन, पहले फॉर्मूला एज इट इज लिख लेते हैं अपन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू मल्टीप्लाई टू ए बी मतलब ए ए बी टू साइन थीटा टू कॉस थीटा मतलब बी बी और सी को इन्होंने लास्ट में लिख दिया, टू ए सी लिखा पहले टू ए और सी टू कॉस थीटा टू साइन थीटा कॉस थीटा। उसके बाद क्या किया है, इसको अपन ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म वन हो जाएगा, वन प्लस वन टू, टू माइनस टू साइन थीटा प्लस टू कॉस थीटा माइनस टू साइन थीटा कॉस थीटा, टू कॉमन ले लिया वन माइनस साइन थीटा, इसमें टू कॉमन लेगा अगर टू कॉस थीटा तो वन माइनस साइन थीटा, साइन थीटा तो क्या आ गया, इसमें आ गया वन माइनस साइन थीटा प्लस वन प्लस कॉस थीटा और टू बाहर, ये प्रूफ करना था। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन, सी बी एस ई में भी आया था ये वाला, ठीक है। ये वन गिवन है, तो इसमें क्या करना है, इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं, ये आ गया। उसके बाद क्या करोगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा और ये फोर हो जाएगा, ये फोर हो गया ना। उसके बाद इसको करना वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर देना, तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस फोर थीटा इज इक्वल टू वन आ जाएगा। स्क्वेयरिंग कर दिए अपन, और यहाँ पास लिख दिया है अपने को, हाँ ये प्रूफ करना था, तो एक ही बार में प्रूफ हो गया अपना, यहाँ स्क्वेयरिंग करो इसको, और यहाँ जो साइन स्क्वायर है तो उसको वन माइनस कॉस स्क्वायर लिख देना, इसको शिफ्ट कर देना, आगे ये वाली प्रूफ हो गया। अब ये वाला देखते हैं, एम एन दे दिया, इसमें डाल दो एम एन जगह, एम ये फॉर्म में लिखते हैं इसको, इस फॉर्म में लिख लिया अपन गिवन को, सॉल्व किए आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, आसान है। ये वाला देखते हैं, एग्जांपल नंबर 16 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 16 कुछ नहीं, 16 में कुछ नहीं करना है, इफ़ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट टू कॉस थीटा देन शो दैट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट साइन थीटा। कुछ नहीं करना है, पहले अपने क्वेश्चन जो दिया है इसको वी है करके गिवन लिख लिए अपन, उसके बाद स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लिए, क्योंकि रूट टू है तो रूट टू तो हटाना पड़ेगा ही, हटा लिए, स्क्वायरिंग है तो स्क्वायर को खोल लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या होता है, वन होता है, वन डाल देंगे अपन इसकी जगह,
इन्होंने क्या किया, उसको डाला ही नहीं पहले, इसको क्या किया इधर शिफ्ट कर लिया अपन, एक कम कर लिए, इसमें से क्या आ जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, एक का कॉस स्क्वायर, इसको भी इधर शिफ्ट कर लिए, देखो यहाँ देखो ये क्या हो रहा था, ये हो जाता, ये वन होता है, इसको वन कर दो, ये वन हो गया ना, तो इसको इधर शिफ्ट कर देना, ठीक है, तो यहाँ माइनस वन आ जाएगा। अब टू है तो टू को एक कॉस इसको इसको दे दो तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन इसको हो जाएगा, उसको उधर शिफ्ट कर दो, मतलब ये आ जाएगा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा अरे कुछ नहीं किया है ये, इसको मतलब कि ये वाले टर्म को और ये वाले टर्म को उठा के बस इधर ले गया, बस ये वाला टर्म आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, इसमें इसमें साइन स्क्वायर है कि दोनों साइड बोथ साइड ऐड कर देना है साइन स्क्वायर को, कि यहाँ पर टू टू का चाहिए अपने को, यहाँ बोथ साइड ऐड कर दिया, फिर ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बन जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर, फिर ये बन जाएगा ऐसा, फिर रूट को इधर शिफ्ट कर देना, रूट टू साइन थीटा आ गया अपना वैल्यू, ये सब हो जाएगा सॉल्व। इसमें भी बस ए स्क्वायर बी स्क्वायर में डाल देना है आपको, सॉरी एम एन में डाल देना है आपको, फिर सॉल्व करना है, हो जाएगा सॉल्व, ये भी इसमें भी ये हो ही जाएगा, ये भी सॉल्व आपका। अगर डाउट होगा तो कमेंट में आप लिख के भेज सकते हैं उसको, ये अगले वीडियो में फिर समझा दूंगा एक बार आपको, ये भी हो ही जाएगा आपके लिए, भी एग्जांपल है इसको, आप सॉल्व करना पूरा, इसका पीडीएफ इसका सॉल्यूशन भी आपको उसमें मिल जाएगा, आपको लिंक डाल दूंगा, इसका सॉल्यूशन पूरा मिल जाएगा आपको, लेकिन इसका जितना भेजा हूँ ना आपको पहले उतना ही करना है आपको पहले, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे पढ़ेंगे, बहुत है इसके आगे अभी, फर्स्ट एक्सर थोड़ा बड़ा है एकदम इसका, आप एकदम इस चैप्टर में आप एकदम आगे हो जाएंगे एकदम, सब सभी बच्चे को ये चैप्टर सबसे हार्ड लगता है, लेकिन ये बहुत इजी चैप्टर है, समझ तीन फॉर्मूले बस तो याद करना है, सब उसी के बेसिस में बनना है इसमें, तो उसको उसी के बेसिस में बना लेंगे अब आराम, बहुत इजी है ये चैप्टर, बहुत इजी लगेगा आपको सॉल्व करने के बाद, ठीक है आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको पीछे पिछले चैप्टर का पीडीएफ और सॉल्यूशन उसमें लिंक मिल जाएगा, इसका भी लिंक मिल जाएगा, इस वीडियो को जितने जितने लाइक एंड शेयर करना है।